वर्धा जिले के ग्राम नरसुला के ये है लखपति किसान श्री मोहन नानाजी पट्टेवार। ये पहले रासायनिक पद्धति से खेती करते थे। उनके 4 एकड़ जमीन में से वे कपास, सोयाबीन, तुअर जैसे रब्बी फसल लेते थे। उन्हें प्रति एकड़ 25,000 तक खर्चा आता था और उत्पादन 35,000 का होता था, यानी सालाना केवल 10,000 ही शेष रहते थे। बदलते वातावरण के चलते कपास की बीमारी, इल्लियों का प्रकोप, ऐसी समस्याएं होने से पूरी फसल ही बर्बाद हो जाती थी। दिनों दिन खर्चा बढ़ता जा रहा था, परेशानियां बढ़ने लगी थी, साहूकारों से कर्जा लेना पड़ रहा था। एक दिन कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन के टीम आरवी की मीटिंग उनके गांव में हो रही थी। वे वहां आए और उन्होंने कम खर्चे की खेती, बिना लागत की खेती, विष मुक्त खेती, पीक बदलाव, ऐसी पद्धतियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्हें पद्मश्री सुभाष जी पालेकर गुरुजी के खेती पद्धति में खासी रुचि उत्पन्न हुई। वे बेहद खुश हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे नैसर्गिक पद्धति द्वारा ही आगे से खेती करेंगे। नमस्कार, मैं मोहन नानाजी पटेवार, नरसुला, तहसील जिला वर्धा। मेरी 4 एकड़ खेती, इधर यहाँ पे हल्दी है, इधर गेहूँ है, वहाँ मिर्ची, लहसुन, थोड़ी पालक है घर के लिए। मैं सुभाष पालेकर जी की कुदरती खेती करता हूँ। मैंने उनके कार्यक्रम अटेंड किए। मैंने ये हल्दी में जीवामृत और हल्दी में डाला, हल्दी में ताक और गोमित्र, इनकी 5 फवारनी हो गई हल्दी में। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी हल्दी है। ये मेरी 4 एकड़ की खेती है, इसमें 1.5 एकड़ हल्दी है और 2 एकड़ गेहूँ है और 1/2 एकड़ में मिर्ची, लहसुन और सब्जी वगैरह डालते हैं थोड़ी घर के लिए। ऐसी बजाज फाउंडेशन के साहब लोग हमारे खेती में आते हैं और उनसे मेरे को बहुत ही जानकारी मिली है हल्दी की, और उन्हीं की वजह से मेरे को प्राकृतिक खेती का रास्ता मिल गया है। अच्छी हल्दी उबालने के बाद उसमें से 32 क्विंटल हरकुंड निकला और उसको 8,000 रुपये का भाव मिला। उसमें से मुझे 2,50,000 रुपये मिले और 50,000 रुपये मेरा खर्चा है और 2,00,000 रुपये मुझे मुनाफा हुआ। आप देख सकते हैं ये प्लाट 6 फुट की हाइट है। इसमें किसी भी रासायनिक खाद डाला नहीं है, दवाई का भी उपयोग नहीं किया है, सिर्फ छाछ और ये गोमित्र वो छिड़काव किया है बस। इस पद्धति को अपनाकर अभी वे सालाना लाखों रुपए कमाने लगे हैं, जिससे उनका जीवन ही बदल गया है। सबसे पहले उन्होंने हल्दी के बेने कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन से लेकर फसलों में बदलाव किया। हल्दी के बेनों में तुअर, घर के लिए सब्जियां भी लगाई। खाद और औषधि के लिए घन जीवामृत, जीवामृत, दशपर्णी अर्क, अग्नि अस्त्र, छाछ, इनका प्रयोग कर आज लाखों रुपयों का मुनाफा ले रहे हैं। उन्होंने 1 एकड़ में 20 क्विंटल हल्दी की फसल ली है। वे इस हल्दी को पाउडर बनाकर बेच रहे हैं। घर से ही खपत होती है, इसीलिए वे बेहद खुश है। कपास और सोयाबीन की तुलना में ये हल्दी का जो पीक है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो इसलिए कि हल्दी को जानवरों का कोई तकलीफ नहीं है और ज़्यादा फवारनी की भी ज़रूरत नहीं है, खत की भी ज़रूरत नहीं ज़्यादा, कपास के जैसा ज़्यादा इसको देखना नहीं पड़ता। हरकुंड मैंने वो बेचा 8,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से, और अभी मेरा पाउडर करने का भी ये प्रोसेस थोड़ी सी चालू है, उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा ऐसा मुझे लगता है। किसान अगर अपने माल का प्रोसेस करता है तो उसका मुनाफा बढ़ता ही है। सुभाष पालेकर जी का नैसर्गिक खेती तंत्र ये देश और दुनिया को बचाने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि देश के सभी किसानों ने कुदरती खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। वो इसलिए कि आपको किसी शाहूकार के पास जाने की जरूरत नहीं, खर्चा कम है, हल्दी में उत्पादन ज्यादा है। तो चलिए हम भी इन्हीं के तरह समझदारी से निर्णय लें, देसी गांव आधारित प्राकृतिक खेती करें, अपने आप को और समाज को और अधिक स्वस्थ करें। प्रस्तुत करता
कमल नयन जमुनालाल बजाज फाउंडेशन वर्धा। धन्यवाद।